Hello students, good afternoon and let's start our today's lecture. Okay, so last lecture को हमने triangle law, parallelogram law and उसके बाद polygon law पढ़ा था, ठीक है? So first we had studied triangle law, okay? triangle law के बाद next पढ़ा था हमने parallelogram law. ओके एंड उसके बाद थर्ड इज द पॉलीगॉन लॉ ठीक है. अभी देखिए बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ वी कैन ऐड ओनली टू फैक्टर्स, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ आल्सो वी कैन ऐड ओनली टू फैक्टर्स एंड इफ मोर देन टू फैक्टर्स आर देयर एंड एडिशन इज टू बी डन इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द पॉलीगॉन लॉ. मतलब ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, इन दो लॉ का डीमेरिट क्या है, हम दो वेक्टर का ही एडिशन कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ में हम मोर देन टू वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, वंस अगेन देखिए, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसके एंड पॉइंट से हम सेकंड वेक्टर ड्रॉ करते हैं एंड थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट. पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू वेक्टर्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे और हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट मिलेगा. मतलब डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट विल बी द रिजल्टेंट. और पॉलीगॉन लॉ में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ नंबर ऑफ वेक्टर्स वन आफ्टर अनदर. मतलब फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करने के बाद सेकंड वेक्टर ड्रॉ करने के बाद थर्ड वेक्टर ड्रॉ करने के बाद फोर्थ वेक्टर. इन दिस वे वी आर गोइंग टू ड्रॉ नंबर ऑफ वेक्टर्स वन आफ्टर अनदर एंड इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हमें इनकम्प्लीट पॉलीगॉन मिलेगा. सो इनकम्प्लीट पॉलीगॉन का जो रिमेनिंग साइड बचेगा, रिमेनिंग साइड, दैट विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है ना? सो दैट इज द पॉलीगॉन लॉ, ठीक है? अभी बाय यूजिंग पॉलीगॉन लॉ हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन देखने वाले हैं. क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, वी आर गोइंग टू स्टडी वन क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन, देयर इज अ regular hexagon, okay, A B C D E F, okay, there is a regular hexagon A B C D E F and we have to prove, okay, we have to prove that A B bar plus A C bar plus A D bar plus A E bar plus A F bar is equal to 6 times A O bar, ये हमें प्रूव करना है, ओके? यहाँ पे मैं डायग्राम अभी निकालता हूँ, इसका डायग्राम कैसा है देखिए. सो दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है? यहाँ पे क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन है, ओके? और इसका कॉर्नर से A B C D E and F, ठीक है? So these are the corners. तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे सेंटर जो हेक्सागन का सेंटर जो है वो O है, यहाँ पे प्रूव करना है ए बी बार, ठीक है? उसके बाद ए सी बार, ए सी बार क्या रहेगा, ये रहेगा ए सी बार, ठीक है? ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार, हियर विल बी द ए डी बार प्लस ए ई बार, दिस इज ए ई बार एंड प्लस ए एफ बार. मतलब यहां पे इन सभी का वेक्टर एडिशन कितना आना चाहिए, 6 टाइम्स ए ओ बार आना चाहिए, 6 टाइम्स ए ओ बार, मतलब इतना आना चाहिए, ठीक है ना? इतना आना चाहिए. तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए, ए बी बार, फिर से मैं एलएचएस लिखता हूं यहां पे, एलएचएस, ओके? एलएचएस क्या है, ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए बार प्लस ए एफ बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हम निकालेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ, ओके, ठीक है? अभी देखिए ए बी प्लस ए, मैं एक जगह लिखता हूं, एक ही ब्रैकेट में लिखता हूं, ए बी एंड ए को एक ही ब्रैकेट में लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए एफ बार हो जाएगा, ठीक है? मतलब ए बी एंड ए एफ हो गया. उसके बाद
क्या करूंगा, एसी एंड ई को एक जगह रखूंगा, ओके, एसी बार प्लस ए ई बार, ओके, एसी प्लस जस्ट मिनट, यहां पे क्या करूंगा, देखिए पहले कौन सा है, एबी है, एबी पहले एबी को ले लूंगा, ए बी बार ये फर्स्ट है ना, ए बी बार एंड ए ई बार, सॉरी ओके, ए बी बार एंड ए ई बार को एक ब्रैकेट में रखूंगा, उसके बाद ए सी बार, ए बी एंड ए ई तो हो गया, ठीक है, उसके बाद ए सी बार प्लस ए एफ बार एक ब्रैकेट में रख सकता हूं मैं, ओके, ए सी प्लस ए एफ एक ब्रैकेट में रखा, एंड प्लस एडी बार एज इट इज रखूंगा। देखिए मैंने क्या किया है, ओनली ए बी एंड ए को एक ब्रैकेट में रखा है, एंड ए सी एंड ए एफ को दोनों को एक ब्रैकेट में रखा है, एंड एडी बार इज एज इट इज, ठीक है। अभी आप डायग्राम में थोड़ा सा देखिए, डायग्राम में डायग्राम दिखाई देता है ना, अभी देखिए ए बी एंड ए इन दोनों का एडिशन मैंने किया, ए बी प्लस ए, ए बी बार प्लस ए बार, तो क्या आ जाएगा, एडी बार आ जाएगा। So this is according to the parallelogram law. Okay, so this is the first vector, this is the second vector. Then diagonal starting from their common point is the resultant, na? ये अगर first vector है, ये second vector है, तो diagonal starting from their common point is the resultant. तो AD bar आ जाएगा ये, ठीक है? So this is AD bar. Okay, उसके बाद देखिए, this is AC, ठीक है? AC bar and AF, AC and AF. मैंने अगर यहां पे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया तो इस तरह से आ जाएगा, यहां पे इस तरह से पैरेललोग्राम रहेगा ना, AC एंड AF का मतलब डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट इज द रिजल्टेंट। सो वंस अगेन इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, AD बार आ जाएगा प्लस AD बार एज इट इज, ठीक है। अभी देखिए AD बार प्लस AD बार प्लस AD बार मतलब क्या कर सकता हूं मैं, 3 टाइम्स AD बार लिख सकता हूं, थ्री टाइम्स AD बार, ओके। तो LHS हमें क्या मिला, देखिए AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF मतलब क्या आता है, थ्री टाइम्स AD बार आता है, थ्री टाइम्स AD आता है, बट AD बार इज इक्वल टू टू टाइम्स AO बार आ जाएगा, क्योंकि देखिए AO बार इतना वेक्टर है और AD उसका डबल है ना, AD उसका क्या है, डबल है, AO जो डायरेक्शन AO का है वही डायरेक्शन AD का भी है, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, ओनली क्या डिफरेंस है, AO का मैग्नीट्यूड कितना है, कम है, और AO का मैग्नीट्यूड कम है और AD का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, डबल है, तो AD इज इक्वल टू टू टाइम्स AO मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखिए LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू थ्री टाइम्स AD की जगह क्या रखूंगा, 2AO रखूंगा, 2AO बार, तो LHS इज इक्वल टू क्या जाए, क्या जाएगा, 6 टाइम्स AO बार आ जाएगा। सो इन दिस वे इट इज प्रूव्ड, ओके, समझ में आया क्या। देखिए अगर समझ में ये नहीं आता है, थोड़ा डिफिकल्टी है, तो क्या कीजिए, रिपीटेडली इस वीडियो को पॉज करके रिपीटेडली देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन, this is one very important question related to the polygon law, okay, so this is a very important question related to the polygon law. abhi iske aage hum kya karenge, related to vector addition there are some important points, wo dekhenge hum, okay, for vector addition there are some important notes, okay, dekhiye important notes of वेक्टर एडिशन, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ वेक्टर एडिशन अभी हम देखने जा रहे हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए, ओके, फ्रॉम दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नीट और जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होने ही चाहिए। अभी फर्स्ट इसमें नोट क्या है, देखिए वेक्टर एडिशन ऑलवेज ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ओके, वेक्टर एडिशन ओबेज
obeys commutative law. Okay, so this is one very important note, you should remember this. ठीक है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है. ठीक है, अब एक कम्यूटेटिव लॉ क्या रहता है, देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या रहेगा. अभी देखिए कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं, नहीं तो यही एक्सप्लेन करता हूं. देखिए अलजेब्रिक एडिशन जो है, अलजेब्रिक एडिशन कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है. कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, स्वैपिंग से रिजल्ट चेंज नहीं होगा. मतलब सिक्वेंस हमने चेंज किया एडिशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या रहते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स का या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्या करेंगे हम, सर्टन सीक्वेंस से एडिशन करेंगे. तो सीक्वेंस चेंज करने पर रिजल्ट चेंज नहीं होता है, उसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू डू स्वैपिंग देन रिजल्ट डज नॉट चेंज. एग्जाम्पल 3+4, यहां क्या करना है, 3+4 इसको मैंने सपोज स्वैप किया तो 4+3 आता है. अभी देखिए 3+4 एंड 4+3 का रिजल्ट मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा. मतलब 3+4 करो या फिर 4+3 करो, सेम आता है. मतलब ये कौन सा है, दिस इज नॉट वेक्टर एडिशन, दिस इज अलजेब्रिक एडिशन. ठीक है, सो अलजेब्रिक एडिशन में हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ओबे होता है. ठीक है, सो दिस इज द अलजेब्रिक एडिशन. या फिर मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं 3 × 4, पहले 3 × 4 किया बाद में 4 × 3 किया, मतलब सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं, स्वैपिंग कर रहा हूं, डिजिट का स्वैपिंग कर रहा हूं, तो रिजल्ट सेम आता है कि नहीं है, आता है, क्योंकि 3 × 4 12 आता है एंड 4 × 3 आल्सो 12. सो यहां पे अलजेब्रिक जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, अलजेब्रा का जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वहां पे कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है. अभी देखिए 3 − 4 इज इक्वल टू 4 − 3 आता है क्या, 3 − 4 इज इक्वल टू 4 − 3 आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि देखिए 3 − 4 आ जाएगा −1 एंड 4 − 3 1 आ जाएगा. मतलब अलजेब्रिक जो सब्ट्रैक्शन रहेगा, अलजेब्रा में जो सब्ट्रैक्शन रहता है वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है. ठीक है, या फिर डिवीजन देखते हैं 3/4. ओके, 3/4 इज इक्वल टू 4/3 आता है क्या, नहीं आता है. तो या क्योंकि 3/4 मतलब 0.75 आ जाएगा एंड 4/3 मतलब 1.33 आ जाएगा. मतलब अलजेब्रिक एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, लेकिन अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में ओबे नहीं होता है, या फिर अलजेब्रिक डिवीजन में भी ओबे नहीं होता है. अभी हमें ये चेक करना है कि वेक्टर एडिशन में ये ओबे होता है क्या. कम्यूटेटिव लॉ मतलब आपको पता चला ना अभी, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, हमने अगर स्वैपिंग किया तो रिजल्ट चेंज नहीं होता है, उसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. ठीक है, अभी देखिए ये ओबे होता है कि नहीं होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए बार एंड सपोज दिस इज द सेकंड वेक्टर दैट इज बी बार. दो वेक्टर दिख रहे हैं ए बार एंड बी बार. यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, ए बार प्लस बी बार करूंगा और बाद में बी बार प्लस ए बार करूंगा, दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है मैं चेक करूंगा. अगर ए बार प्लस बी बार का आंसर और बी बार प्लस ए बार का आंसर, दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो मैं क्या बोलूंगा, इट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ. ए बार प्लस बी बार कैसे करूंगा, पहले देखिए ए बार प्लस बी बार करूंगा पहले. ठीक है, ए बार प्लस बी बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ए बार ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, उसके एंड पॉइंट से मुझे बी बार ड्रॉ करना पड़ेगा. तो क्या मिलेगा मुझे, दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मिलेगा मुझे. सो दैट इज ए बार प्लस बी बार आ जाएगा. थोड़ा सा डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स राइट है. ठीक है, ए बार प्लस बी बार ये हो गया, ए बार प्लस बी बार. अभी बी बार प्लस ए बार निकाल के देखता हूं, बी बार प्लस ए बार. बी बार प्लस ए बार करना है मतलब क्या करना है, पहले बी बार ड्रॉ करूंगा उसके बाद ए बार ड्रॉ करूंगा. सो बी बार इज लाइक दिस ना, दिस इज बी बार. उसके एंड पॉइंट से क्या करूंगा, मैं ए बार को ड्रॉ करूंगा, ए बार.
ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, b बार प्लस a बार का रिजल्टेंट मतलब एडिशन इस तरह से आ जाएगा, दिस इज b बार प्लस a बार। ठीक है, अभी दोनों डायग्राम देखिए, a बार प्लस b बार का डायरेक्शन, a बार प्लस b बार का डायरेक्शन एंड b बार प्लस a बार का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही दिख रहा है डायग्राम में, और दोनों का लेंथ देखिए मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का उतना ही है, इसका मतलब क्या होता है a बार प्लस b बार, ओके यहां पे लिखता हूं, ओके तो दिस मीन्स दैट a बार प्लस b बार इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है, b बार प्लस a बार रहता है, मतलब सीक्वेंस चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट देखेंगे हम, सेकंड इज द एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबे Associative law. ठीक है, वेक्टर एडिशन जो है associative law भी ओबे करता है। अभी associative law क्या रहता है, देखिए a बार प्लस b बार इन ब्रैकेट, ठीक है, इन ब्रैकेट a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बार प्लस इन ब्रैकेट b बार प्लस c बार आ जाएगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए हमें क्या करना है, ए बी एंड सी तीनों वेक्टर का एडिशन करना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे ब्रैकेट इंडिकेट करता है तीनों में एडिशन किसका पहले करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बताता है, देखिए LHS क्या बताता है हमें, पहले ए प्लस बी करना है और उसके बाद उसमें सी एड करना है, और RHS राइट हैंड साइड आपको क्या इंडिकेट करता है, पहले b प्लस सी का एडिशन करना है और उसके बाद उसमें a ऐड करना है। अभी देखिए a प्लस b का एडिशन करके उसमें c ऐड किया, या फिर b और c का पहले एडिशन किया और बाद में उसमें a ऐड किया, तो आंसर वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर एडिशन में आंसर वही आता है, आंसर चेंज नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। मतलब एसोसिएटिव लॉ कब आता है, when you are going to add more than two numbers, okay, add या फिर multiply and so on, मतलब a b c है, a plus b करो और बाद में c करो, या फिर b plus c करो and बाद में उसमें a add करो, तो answer में change नहीं आएगा, इसको हम associative law बोलते हैं। तो associative law क्या हो सकता है, associative law algebraic addition में भी obey हो सकता है। देखिए algebraic addition में कैसे obey हो सकता है, 3 + 4 + 5, ओके अभी 3 + 4 + 5 इसका मीनिंग क्या लेना है, ये ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट क्या सजेस्ट करता है, 3, 4 और 5 तीनों का एडिशन हमें करना है, लेकिन ब्रैकेट क्या सजेस्ट करता है, किसका एडिशन पहले करना है, 3 और 4 का एडिशन करना है पहले, बाद में उसमें 5 ऐड करना है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करूंगा मैं, पहले 4 और 5 का एडिशन करूंगा और उसमें 3 बाद में ऐड करूंगा, तो आंसर 4 + 5 = 9 आ जाएगा, 9 + 3 = 12 ही आता है ना, तो अलजेब्रिक एडिशन में ये ओबे होता है, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में ओबे होता है क्या, देखिए एसोसिएटिव लॉ। अभी वन सेकेंड, सपोज 3 नंबर मतलब 3 - 4 - 5 इज इक्वल टू, देखिए पहले 3 और 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे और 3 - 4 - 5 4 और 5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे ओबे होता है क्या, देखिए एसोसिएटिव लॉ होता है क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 3 - 4 मतलब कितना जाएगा, -1 एंड -5 मतलब कितना जाएगा, -6 आ जाएगा, -6। ठीक है, उसके आगे 3 - 4 - 5 मतलब -1 आता है ना, 4 - 5 मतलब -1, अभी 3 - -1 मतलब 3 + 1 मतलब 4 आ जाएगा, ये so it is not equating, ये करेक्ट नहीं आता, तो क्या होता है, algebraic subtraction में associative law
ओबे नहीं होता है। एसोसिएटिव लॉ समझ में आया क्या? देखिए एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या है, सपोज थ्री क्वांटिटी का हमें एडिशन करना है, थ्री क्वांटिटी का एडिशन, ओके, ए बी सी का एडिशन करना है, पहले ए प्लस बी का एडिशन करके बाद में उसमें सी ऐड किया, या फिर बी और सी का एडिशन करके बाद में उसमें ए ऐड किया, तो आंसर वही आने वाला है, चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। थर्ड समझ में आया क्या? देखिए एसोसिएटिव लॉ, सो वेक्टर एडिशन ओबे एसोसिएटिव लॉ, ओके, उसका मीनिंग क्या है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट क्या बताता है, किसका एडिशन पहले करना है, जो ब्रैकेट में रहेगा उसका पहले एडिशन आपको करना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को पहले ए और बी का एडिशन किया है, बाद में उसमें सी ऐड किया है, ओके, और राइट हैंड साइड को क्या किया है मैंने, पहले बी एंड सी का एडिशन किया है, बाद में उसमें ए ऐड किया, तो उससे कुछ फर्क फैक्टर एडिशन में नहीं फर्क पड़ता है, आंसर वही आता है, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सो वेक्टर एडिशन ओबे एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद थर्ड, वेक्टर एडिशन ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, वेक्टर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या है, देखिए ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार है, ओके, मतलब ब्रैकेट में बी बार प्लस सी बार है और ब्रैकेट के बाहर सपोज एक वेक्टर ए बार है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है, ए से बी को मल्टीप्लाई करना है, ए से बाद में सी को मल्टीप्लाई करना है, ओके, सो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबेज इन द वेक्टर, सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल प्लस ए बार डॉट सी बार, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, ओके, सो वेक्टर एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे होता है, ओके, सो ये समझ में आया क्या? देखिए इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस, ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस स्क्रीन नाउ, ओके। वंस अगेन देखिए हम इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन देख रहे हैं, उसमें हमने देखा कि वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबे एसोसिएटिव लॉ एंड वेक्टर एडिशन ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन, एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट यू कैन एड ओनली टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप्स ओनली, मतलब सेम टाइप का वेक्टर का एडिशन ही आप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी एडेड। सेम टाइप मतलब क्या, वेलोसिटी वेक्टर में आप वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर में आप एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं ऐड कर सकते, ओके, तो एडिशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ वेक्टर is only valid, okay, addition of same type of vector is only valid, okay। उसके बाद देखिए next very important point is that अगर हमने दो vector का suppose resultant निकाला, दो vector का हमने resultant निकाला, तो वो resultant क्या करेगा, larger vector के साथ कम angle तैयार करेगा, ठीक है, और smaller vector के साथ क्या करेगा, ज्यादा angle बनाएगा, okay। Resultant of two vectors. So this is one very important thing. Resultant of two vectors form smaller angle with larger vector.
और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या है, अपोजिट है, मतलब दो वेक्टर का हमने रिजल्टेंट अगर निकाला तो रिजल्टेंट क्या करेगा, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर दोनों वेक्टर के साथ एंगल करेगा। तो हमने ऑब्जर्व किया, केयरफुली ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या पता चलेगा, वो रिजल्टेंट क्या करेगा, लार्जर वेक्टर के साथ स्मॉलर एंगल बनाएगा, स्मॉलर एंगल। सो इट इज लाइक दिस, सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए बार, ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर सपोज दैट इज बी बार। यहाँ पे दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, यहाँ पे लार्जर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर कौन सा है अभी बताओ, लार्जर मैग्नीट्यूड वाला ए बार है, ठीक है, एंड स्मॉलर मैग्नीट्यूड स्मॉलर वेक्टर कौन सा है, बी बार है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला। अभी मैंने इसका सपोज रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, ये पैरेललोग्राम है एंड डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट इज द रिजल्टेंट ना, ओके, सो रिजल्टेंट क्या करेगा, ए बार से सर्टन एंगल बनाएगा और बी बार से भी सर्टन एंगल बनाएगा। अभी देखिए अल्फा लार्जर है या फिर बीटा लार्जर है, कौन सा एंगल लार्जर है, देखिए बीटा इज लार्जर ना, बीटा लार्जर है, अल्फा कम है, मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट मेक्स स्मॉलर एंगल विद लार्जर वेक्टर, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिजल्टेंट मेक्स स्मॉलर एंगल विद लार्जर वेक्टर या फिर रिजल्टेंट मेक्स लार्जर एंगल विद स्मॉलर वेक्टर, ओके, सो अल्फा एंड बीटा द एंगल मेक्स बाय द रिजल्टेंट विद ए एंड बी, ओके, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, इफ देखिए आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार है, ओके, अल्फा इज इक्वल टू सॉरी इफ आर बार इज इक्वल टू सपोज दूसरा लेता हूं पी बार प्लस क्यू बार है, ठीक है, मतलब पी बार एंड क्यू बार का रिजल्टेंट क्या है, आर बार है, एंड एंड थीटा वन एंड थीटा टू आर आर थीटा टू एंड थीटा थीटा वन एंड थीटा टू क्या है, एंगल बिटवीन बिटवीन आर बार एंड पी बार, मतलब थीटा वन एंगल इसके बीच में है, रिजल्टेंट एंड पी बार के बीच में है, एंड थीटा टू इज एंगल बिटवीन आर बार एंड क्यू बार के बीच में है, ठीक है, देखिए दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, देखिए आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार है, मतलब रिजल्टेंट क्या है, आर बार है, किसका रिजल्टेंट है, पी बार एंड क्यू बार का रिजल्टेंट आर बार है, थीटा वन थीटा टू क्या है, एंगल से, किसके एंगल से, रिजल्टेंट रिजल्टेंट जो P बार और Q बार से जो एंगल बनाने वाले हैं वो थीटा वन थीटा टू है। अभी देखिए यहां पे देखिए Q इज ग्रेटर देन P है, देन Q ज्यादा है और P कम है, तो थीटा वन थीटा टू में क्या रिलेशन आ जाएगा, सो ऑप्शंस आर लाइक दिस, फर्स्ट ऑप्शन इज थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, सेकेंड ऑप्शन इज ओके सेकेंड ऑप्शन इज थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, थर्ड ऑप्शन इज थीटा वन इज लेस देन थीटा टू, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, ओके फोर्थ ऑप्शन। तो अगर Q ज्यादा है तो Q के साथ रिजल्टेंट ने बनाया हुआ एंगल वो कम रहेगा, जहां पे वेक्टर ज्यादा रहता है वहां पे एंगल क्या रहता है, कम रहता है, R एंड Q के बीच में एंगल कौन सा है, थीटा, सो थीटा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अगर Q ज्यादा है तो थीटा 2 कम होना चाहिए, थीटा 2 कम होना चाहिए, मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स नंबर वन। अभी दो वेक्टर वंस अगेन सपोज ए बार एंड बी बार है, तो ए बार एंड बी बार का रिजल्टेंट कितना आता है, ओके रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार
रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार, बी बार ऑलवेज ऑलवेज लाइज बिटवीन, ऑलवेज लाइज बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, करेक्ट है ना? ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ए बार और बी बार दो वेक्टर्स है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में रहेगा, ओके? ए प्लस बी भी हो सकता है, ए माइनस बी भी हो सकता है, या फिर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बीच में रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल कैसा आएगा देखिए, अगर यहाँ पे टू फोर्सेस आर अप्लाई ऑन ए बॉडी, ओके, दिस इज बॉडी ऑन विच टू फोर्सेस आर अप्लाइड, पहले मैं 3 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करूंगा, उसके बाद 4 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करूंगा, डायरेक्शन अभी मुझे पता नहीं है, पहले 3 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट किया, बाद में 4 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट किया, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ सकता है, ओके, ओनली 7 आता है क्या? नहीं, सेम डायरेक्शन में आया तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो 7 न्यूटन आ जाएगा, दोनों फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 1 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना आ सकता है, 1 और 7 के बीच में, 1 आ सकता है, 7 आ सकता है, या फिर 1 और 7 के बीच में कोई भी आ सकता है, ओके, वही है ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। मतलब ए एंड बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी भी आता है, ए माइनस बी भी आ सकता है, या फिर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बीच में भी आ सकता है, ठीक है, समझ में आया क्या? देखिए, रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार ऑलवेज लाइज बिटवीन, ओके, इंक्लूडिंग दैट, इंक्लूडिंग ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार, ओके, उनके बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो सपोज यहां पे ऐसा लिखा, यहां पे इफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार है, ओके, देन मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार है तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी एंड बीच में सी अगर लिखता हूं, तो आप मुझे बताइए यहां पे और यहां पे कौन सा साइन आएगा, कौन सा साइन आ सकता है, मतलब सी क्या है, दोनों का एडिशन है, ए बार और बी बार का एडिशन मतलब सी है, मतलब सी का वैल्यू क्या हो सकता है, ए प्लस बी भी हो सकता है, ए माइनस बी भी हो सकता है, या फिर इनके बीच में हो सकता है, तो यहाँ पे कौन से साइन मुझे डालने पड़ेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वैसा कौन सा साइन, सी का वैल्यू ए प्लस बी इतना या फिर इससे कम आएगा ना, तो इक्वल टू और लेस देन ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ए प्लस बी क्या रहेगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन सी रहेगा, एंड सी का वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन ए माइनस बी रहेगा, करेक्ट है ना? मतलब सी का वैल्यू ए माइनस बी से ज्यादा रहेगा या फिर ए प्लस बी से कम रहेगा, समझ में आया क्या? देखिए, ओके, इफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार है, तो सी बार का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, सी बार का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, सी बार का मैग्नीट्यूड दोनों का एडिशन भी हो सकता है या फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर उनके बीच में भी आ सकता है, सेम एज दिस ना, 3 और 4 है ना, 3 और 4 का एडिशन 7 हो जाएगा, 3 और 4 का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो 3 और 4 का वेक्टर एडिशन कितना आ सकता है, 1 और 7 के बीच में कोई भी आंसर आ सकता है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए ठीक से। नेक्स्ट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ओके, नंबर 7, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के प्लेन में ही रहेगा, डिफरेंट प्लेन में नहीं रहेगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स always
lie in the same plane. Always lie in the same plane. ठीक है. Resultant of two vectors always lie in the same plane. मतलब सपोज ए बार यहां पे है, ए बार किस प्लेन में है, इस ब्लैकबोर्ड के प्लेन में है. ठीक है. बी बार यहां पे है, बी बार भी कहां पे है, इस प्लेन ब्लैकबोर्ड के प्लेन में है. ठीक है. तो रिजल्टेंट कहां रहेगा, रिजल्टेंट यहां पे रहेगा, दिस इज रिजल्टेंट. वो भी क्या रहेगा, ब्लैकबोर्ड के प्लेन में ही रहेंगे. ठीक है. मतलब ए बार एंड बी बार एक्स वाई प्लेन में है तो रिजल्टेंट भी एक्स वाई प्लेन में रहेगा. ओके. या फिर ए बार एंड बी बार वाई जेड प्लेन में है तो रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट भी वाई जेड प्लेन में ही रहेगा. ए बार एंड बी बार ये दो वेक्टर सपोज एक्स जेड प्लेन में है तो उनका रिजल्टेंट एक्स जेड प्लेन में ही रहेगा, डिफरेंट प्लेन में नहीं आएगा. ओके. सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. अभी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 रिलेटेड टू द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट के बारे में और एक पॉइंट है. ठीक है. अभी दो अनइक्वल वेक्टर्स है, दो अनइक्वल वेक्टर्स है तो उनका रिजल्टेंट जीरो कभी भी नहीं आ सकता है. ओके. इफ देयर आर टू अनइक्वल वेक्टर्स देन देयर रिजल्टेंट इज नेवर जीरो. रिजल्टेंट ऑफ टू unequal vectors, unequal magnitude vectors, unequal magnitude लिखता हूं, unequal magnitude vectors is never zero. Okay, देखिए मतलब दो vectors है और दोनों का magnitude अगर different है तो उनका resultant कैसे भी लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लगाओ या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, कैसे भी दो वेक्टर लगाओ उनका रिजल्टेंट जीरो कभी भी नहीं आएगा. एग्जांपल बता देता हूं. सपोज फर्स्ट फोर्स है 3 न्यूटन का हैविंग सर्टन डायरेक्शन. ओके. कोई भी डायरेक्शन रहने दो. एंड दूसरा फोर्स है सपोज 4 न्यूटन का, उसका भी कोई भी डायरेक्शन ले लो, इनका रिजल्टेंट 0 न्यूटन आ सकता है क्या, कभी 0 न्यूटन आ सकता है क्या? सेम डायरेक्शन में लगाया तो क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन आ जाएगा. अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो 1 न्यूटन आ जाएगा. और रिजल्टेंट 1 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है, 0 कभी भी नहीं आएगा. लेकिन अभी दोनों अगर रिजल्टेंट अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर से तो उनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है. लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है. लेकिन दो वेक्टर अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो किसी भी कैसे भी लगाओ उनको, पैरल लगाओ या फिर एंटी पैरल लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आ सकता. ओके. नेक्स्ट, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स मे और मे नॉट हैव जीरो रिजल्टेंट. ओके. 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, ओके, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स मे और मे नॉट हैव जीरो रिजल्टेंट. ओके. अभी कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर दो सेम प्लेन में होने चाहिए. अभी 3 वेक्टर सेम प्लेन में है तो उनका रिजल्टेंट 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है. अभी 0 रिजल्टेंट कब आ जाएगा, देखिए अगर 3 वेक्टर है और तीनों वेक्टर का मैंने पॉलीगॉन निकाला इस तरह, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर, इज आर द 3 वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया हूं, उसके एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया हूं, उसके बाद उसके एंड पॉइंट से थर्ड वेक्टर ड्रॉ किया है इधर. तो यहां पे अगर कंप्लीट पॉलीगॉन बनता है, 3 वेक्टर है, सेम प्लेन में है और उन्होंने क्या किया है, सपोज कंप्लीट पॉलीगॉन किया है तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा. लेकिन अगर वंस अगेन 3 वेक्टर है, सेम प्लेन में है, ब्लैकबोर्ड के प्लेन में है ना, यहां पे तीनों वेक्टर ब्लैकबोर्ड के प्लेन में है, यहां पे भी
तीनों वेक्टर ब्लैकबोर्ड के प्लेन में ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा, दिस विल बी देयर रिजल्टेंट अपोजिट टू ऑल द वेक्टर्स, करेक्ट है, ओके समझ में आ रहा है क्या? देखिए मतलब अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो उनका रिजल्टेंट जीरो आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। जीरो रिजल्टेंट कब आएगा, जब वो क्लोज्ड पॉलीगॉन तैयार करते हैं वन आफ्टर अनदर, तीन वेक्टर ड्रॉ करने के बाद ओपनिंग साइड अगर नहीं बचता है, ओके मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ थर्ड वेक्टर, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर एग्जैक्टली अगर मैच करता है तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, एंड यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर अगर मैच नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, इधर रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। सो थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स मे और मे नॉट हैव जीरो रिजल्टेंट, मतलब थ्री कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ओके नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नेवर बी जीरो, पॉइंट नंबर 10। रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इज नेवर जीरो, नेवर जीरो। अभी तीन वेक्टर है, देखिए सेम प्लेन में अगर नहीं है तो उनका हमने वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग पॉलीगॉन लॉ किया तो जीरो रिजल्टेंट कभी भी नहीं आ जाएगा, कभी भी नहीं आ सकता। तीन वेक्टर्स है एंड तीनों वेक्टर अगर डिफरेंट प्लेन में है और उनका हमने एडिशन किया तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, मतलब कभी भी वो क्लोज द पॉलीगॉन तैयार ही नहीं होगा। जीरो रिजल्टेंट कब आता है, जब नंबर ऑफ वेक्टर ड्रॉ करने के बाद वो क्या होता है, क्लोज द पॉलीगॉन आता है तो जीरो रिजल्टेंट आता है। लेकिन अभी देखिए आपने ड्रॉ करने का अगर प्रयास किया, ट्राई किया, ठीक है, मतलब पहले एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है, उसके बाद वाई जेड प्लेन में एक प्लेन है और तीसरा एक्स जेड प्लेन में, तीन तीन प्लेन में तीन वेक्टर्स है और तीनों वन आफ्टर अनदर ड्रॉ किए तो इनकम्प्लीट साइड हमेशा उस पॉलीगॉन को इनकम्प्लीट साइड रहेगा ही रहेगा, मतलब रिजल्टेंट आएगा ही आएगा। मतलब थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स का ये पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद में याद रखने पड़ेंगे, ओके फ्रॉम मेंस या फिर नीट या फिर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस पॉइंट शुड बी रिमेम्बर्ड क्लियरली, ओके ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, देखिए ठीक है। सो तीन अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है, ठीक है कोप्लेनर है तो, लेकिन नॉन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में नहीं है तीन वेक्टर तो इनका रिजल्टेंट जीरो कभी भी नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट नंबर 11, सो आई वंस अगेन आई एम गोइंग टू इरेज दिस स्क्रीन नाउ, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके if there are n equal magnitude vectors, equal magnitude vectors, अभी देखिए मैंने क्या लिखा है, सपोज यहां पे n vectors हैं, n मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एंड सो ऑन, n equal magnitude के vectors हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब उनका मैग्नीट्यूड सिर्फ इक्वल है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। देयर आर एन वेक्टर्स, सभी का मैग्नीट्यूड उतना ही है, मतलब फॉर एग्जांपल थ्री फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सपोज 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन है, ठीक है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के थ्री वेक्टर्स है, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन देम इज, एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन देम इज 360 बाय एन रहेगा। अगर उनमें एंगल कितना रहेगा 360 बाय एन रहेगा तो क्या होता है, देन देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो, देन देयर रिजल्टेंट, ओके, तो उनका रिजल्टेंट क्या रहता है इज ऑलवेज जीरो, तो उनका रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो ही रहेगा। ठीक है, एग्जांपल बताता हूं। नंबर वन, यन अगर दो है, मतलब दो फोर्सेस हैं, दो वेक्टर्स हैं, और उनमें एंगल कितना है 360 बाय, मतलब उनका एंगल अगर 360 बाय n, मतलब 360 बाय 2 हो जाएगा ना, 180 डिग्री। ओके, अगर अभी दो वेक्टर्स है, देखिए दो वेक्टर्स और उनमें एंगल 180 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जीरो, करेक्ट है ना, मतलब 5 न्यूटन 5 न्यूटन। 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में, सो 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाए तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली सपोज अभी थ्री, ओके सेकंड, अगर अभी थ्री वेक्टर्स है, थ्री वेक्टर्स और थ्री वेक्टर में एंगल कितना है 360 बाय 3 मतलब 120 डिग्री है, 120 डिग्री। अभी सपोज तीन एग्जांपल देता हूं, थ्री फोर्सेस है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन के थ्री फोर्सेस है, ठीक है, और उनमें एंगल कितना है 120 डिग्री का एंगल है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में 120, सेकंड और थर्ड में 120 डिग्री एंगल है, तो वहां पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा देखिए, ओके, व्हाई डज दिस हैपेंस, बिकॉज सपोज यहां पे सपोज ये 5 न्यूटन है, 120 डिग्री मतलब यहां पे दूसरा 5 न्यूटन है, ठीक, दूसरा 5 न्यूटन, और 120 डिग्री मतलब यहां पे तीसरा है 5 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। जीरो क्यों आता है, मैंने आपको एक चीज बताया, आपको बताया क्या, देखिए दो अगर इक्वल फोर्सेस है और उनमें 120 डिग्री एंगल है तो उनका रिजल्टेंट 5 ही आता है, पता है ना, 5 आता है, मतलब P एंड P का रिजल्टेंट P ही आता है। कब ऐसा होता है देखिए, P एंड P का रिजल्टेंट P कब आता है, जब उनमें एंगल 120 डिग्री का, मतलब 5 और 5 का रिजल्टेंट 5 आ जाएगा, उनके बीच में आ जाएगा, एंड ये 5 एंड ये 5 क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, समझ में आ रहा है ना, मतलब 5 एंड 5 उनमें एंगल कितना है 120 डिग्री है, और हमने ये पढ़ा है P और P का रिजल्टेंट P आ सकता है, कब, जब P और P में एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, तब, मतलब इधर भी क्या हो जाएगा 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ जाएगा, दैट विल बी इन बिटवीन दिस टू, एंड ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और फाइनल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जीरो रिजल्टेंट विल बी देयर। ओके, सो इसी तरह से सपोज नंबर 3, नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर नंबर कितना है, 4 है, एंड उनमें एंगल कितना है 360 बाय 4 मतलब अगर कितना एंगल है 90 डिग्री एंगल है, तो क्या होता है, रिजल्टेंट जीरो आता है। क्यों आता है देखिए, सपोज दिस इज फर्स्ट वन 90 डिग्री मतलब दिस इज सेकंड वन 90 डिग्री मतलब दिस इज थर्ड वन एंड 90 डिग्री मतलब दिस इज फोर्थ वन। ओके, एंगल कितना है एक दूसरे के साथ 90 90 90 डिग्री एंगल है। देखिए ये और ए अपोजिट है, कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड में, वो भी कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो सभी फोर्सेस, सभी वेक्टर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से जनरल स्टेटमेंट क्या है, इफ देर आर यन इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स, अगर यहां पे यन वेक्टर्स है सभी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच एंगल कितना है 360 बाई एन है, तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आता है। टू इक्वल मैग्नीट्यूड के है, थीटा 180 डिग्री है, तो जीरो रिजल्टेंट। थ्री वेक्टर्स है, एंगल 120 डिग्री है, तो जीरो रिजल्टेंट। फोर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस वेक्टर्स है, ओके, उनमें एंगल 90 डिग्री है, तो दे कैंसिल आउट एंड रिजल्टेंट इज जीरो। सो इन दिस वे, दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द रिजल्टेंट, एंड यू शुड रिमेंबर दिस। ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज लेक्चर. ओके, वेक्टर एडिशन के और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो हैव अ नाइस डे एंड बाय.